नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बताऊंगा कि ग्राफिक डिजाइनर को अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए। देखिए, आज ही शायद यूट्यूब पे एक कमेंट आया हुआ था कि सर टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोर्टफोलियो मैटर नहीं करता। जब आप इंटरव्यू पे जाते हो, टास्क देते हो, तो टास्क अच्छा बनाना चाहिए, पहले का काम कैसा भी हो। ऐसा नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका रेज्यूम अच्छा नहीं है, तो आपको इंटरव्यू पे बुलाया ही नहीं जाएगा, टास्क देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है ग्राफिक डिजाइनर के लिए। आज की वीडियो में वही बताऊंगा कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, बना के दिखाऊंगा पोर्टफोलियो, कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, क्या क्या तरीके हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो सिलेक्ट हो सके। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी देखना। पोर्टफोलियो बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि JPG अटैच करके आपने बिल्कुल भी नहीं भेजना है। बहुत सारे बच्चे मेल पे JPG अटैच करके भेज देते हैं एज अ पोर्टफोलियो, वो आपका पोर्टफोलियो नहीं है। किसी भी जिसके पास भी आप भेज रहे हो इंटरव्यू के पास, इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक JPG डाउनलोड करके चेक करें। एक बहुत बड़े यूट्यूबर को मैंने अपनी वीडियो में कहते सुना था कि JPG अटैच करके भेज दो, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपने कोई zip लिंक अटैच करके नहीं भेजना है, कोई zip फाइल अटैच करके नहीं भेजनी है। नहीं होता टाइम, वो रिजेक्ट मार देते हैं पहले ही। जैसे ही आपने कोई zip फाइल अटैच करके भेज रखी है, वो उसको डाउनलोड भी नहीं करेंगे, पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। तीसरी चीज़, आपने कोई गूगल ड्राइव नहीं भेजना है। गूगल ड्राइव भेजते, मेरा तो पूरा ड्राइव ही फुल हो रखा है, ड्राइव भेज देते हैं, फिर उसका लिंक नहीं भेजते, उसका वो एक्सेस नहीं भेजते, फिर एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। तो सोचो, आपने सामने वाले को पहले ही परेशान कर दिया, वो आपको पोर्टफोलियो चेक भी नहीं करने वाले हैं। तो गूगल ड्राइव बिल्कुल भी नहीं भेजना अपलोड करके। देखो, बस आपको इतना बात ध्यान रखनी है कि आप जिसको भी पोर्टफोलियो भेजो, उसके लिए ईजिली एक्सेस हो जाए, वो ईजिली ओपन हो जाए, ना उसको डाउनलोड करना पड़े, ना अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़े। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। और पोर्टफोलियो को बनाने वालों, Behance पे, Behance एकदम फ्री वेबसाइट है, आप कोई भी जाके पोर्टफोलियो बना सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास अलग से वेबसाइट बनानी है, आपको अलग से वेबसाइट बना लो। अगर नहीं बनाना, Behance पे बहुत अच्छे तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो हम वहीं पे आज पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। पोर्टफोलियो बनाने के देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सॉफ्टवेयर वाइज, जो हमको सिखाया गया था जब हम इंस्टीट्यूट में थे। सॉफ्टवेयर वाइज कैसे होता है कि देखो, फोटोशॉप का एक फोल्डर बनाया और फोटोशॉप का नाम से एक फोल्डर बनाया, फोटोशॉप का जितना भी काम था वो सारा उसमें डाल दिया। इलस्ट्रेटर का एक फोल्डर बनाया और इलस्ट्रेटर का सारा काम उसमें डाल दिया। फ्लैश का एक एडोब फ्लैश करके सॉफ्टवेयर चलता था, उसका सारा काम वहाँ पर डाल दिया। ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का एक फोल्डर बनाते थे हम लोग, या एक वेबसाइट बनाते थे और एक एक बटन बनाते थे कि भाई ये फोटोशॉप का है, ये इलस्ट्रेटर का है, ये कोल्ड्रो का काम है इसमें। तो सॉफ्टवेयर वाइज काम डालते थे, बट अभी वो नहीं चलता है। अब जो चलता है वो कैटेगरी वाइज चलता है। कैटेगरी वाइज कैसे, यानी कि सोशल पोस्ट का एक फोल्डर बना दिया, सोशल पोस्ट का सारा काम वहाँ पर डाल दिया। बैनर्स का आपने कुछ काम किया, बैनर्स का वहाँ काम डाल दिया। UX/UI डिज़ाइन का रखा है तो उसका एक फोल्डर बना कर डाल दिया। कैंपेन डिज़ाइन को इन किया हुआ है तो कैंपेन डिज़ाइन का आप अलग से एक फोल्डर बना कर डाल दिया। तो कैटेगरी बना के आपने इस बार काम डालना है अपना। चलिए Behance पे करके देखते हैं कि कैसे सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सबसे पहले हम Behance प्रोफाइल पे जाते हैं। Behance पे आप जाकर के सबसे पहले तो बाकियों का काम चेक करो कि वो लोग काम कैसे अपलोड करते हैं। किसी भी एक काम पे क्लिक कर लेते हैं, देखो तो एक एक प्रोजेक्ट उसने डाला हुआ है, जिसका भी प्रोजेक्ट है, कलर स्कीम, कलर पैलेट वगैरह डाला है, यूज़र इंटरफेस डाला है। बाकियों का काम समझने से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे डालना है। देखो, इन्हें ब्रांडिंग डाली है, पहले उसके ऊपर लिखा है कि किसका काम है, क्लाइंट कौन था, फुल 3D मॉडलिंग टेक्सचरिंग वर्क है, क्लाइंट का नाम डाला है, इस तरीके से छोटी सी इंफॉर्मेशन डाली है उसने, और अपना पूरा काम एक ग्रिड में डाला है। तो इस तरीके से सारा काम एक बार रेफरेंस अच्छे से देख लो, देन एक बार मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल है, Behance प्रोफाइल, आप देख सकते हो। इस पर मैंने कैटेगरी वाइज काम डाला है, पहले एक बैनर लगाया और कैटेगरी वाइज काम डाला है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग वीडियोस, इंस्टा रील वीडियोस, स्क्रिप्ट एंड कॉपी राइटिंग, आर्ट डायरेक्शन, कमर्शियल पोस्टर्स, क्रिएटिव मैसेज, सोशल पोस्ट। एक क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने अपने सारा सोशल पोस्ट का काम डाला है। ऐसी एडवर्टाइजिंग वीडियोस पे क्लिक करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो वीडियो डाला है और ऊपर छोटा सा
कंटेंट लिखा है कि किस चीज़ की वीडियो है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने कैटेगरी वाइज काम डालना है। सबसे पहले तो आपने अपना बेस्ट वर्क डालना है, और कुछ काम आपका कैटेगरी वाइज होगा, कुछ काम आपका ब्रांडिंग वाइज होगा। जैसे कि ये ब्रांडिंग है, A1 साइकिल का मैंने ब्रांडिंग की थी, तो कैटलॉग डाला मैंने, पोस्टर्स डाले उसके जो किए थे, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको काम किस कैटेगरी से डालना है। ये आर्ट डायरेक्शन का काम है मेरा। इसी तरीके से सबसे पहले आपने एक बिहेंस प्रोफाइल रेडी करनी है, बनानी है, एक अच्छा सा बैनर लगाइए, एडिट प्रोफाइल में जाइए, अपने बारे में कुछ नाम वगैरह, आपके क्या काम करते हो, आपका ऑक्यूपेशन लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, अपने सारे लिंक को कनेक्ट कीजिए, बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो सब कुछ, अपने बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल की लिखिए, आप क्या करते हो, बहुत टफ नहीं है ये सब चीज़ें, बहुत इजी है। देन अपना बेस्ट वर्क आप सिलेक्ट करके रखिए। मैंने यहाँ पे अपना कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना कुछ वर्क सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ब्रांडिंग एक मैं डालने वाला हूँ, पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर। तो मैंने क्या करा है, एक इनवेदा ब्रांड जो है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इनवेदा ब्रांड का मैंने एक पोर्टफोलियो रेडी किया है ताकि पूरी ब्रांडिंग में डाल सकूं। तो करना क्या है, मैंने क्या करा है कि एक सबसे पहले एक पेज लिख लिया, उस पर मैंने इनवेदा के बारे में लिखा कि इनवेदा ब्रांड क्या करता है। दूसरे पेज से मैंने कुछ उसके फ़ोटोग्राफ्स लगाई जो मैंने शूट किए थे, उसके बारे में लिखा है कि एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। कलर स्कीम कौन कौन सी मैं उसमें यूज़ करता हूँ, कलर स्कीम मैंने लगाई है। कुछ फ़ोटोशूट्स लगाए हैं, अगेन मॉडल्स के फ़ोटोशूट, और अपनी तरफ से कुछ कंटेंट ऐड करके मैंने लगाया है यहाँ पे। ये पैकेजिंग डिज़ाइंस जिसको मैंने एलिगेंट वगैरह इस तरीके से नाम दिया है। ओवरऑल सोशल पोस्ट का डिज़ाइंस, ओवरऑल जो भी ब्रांड के लिए आपने काम किया है, इसमें मेरे को वीडियो भी ऐड करनी है, बट अभी मैं वीडियो ऐड नहीं करने वाला। तो ओवरऑल ब्रांड के लिए आपने जो भी काम किया, आप एक पेजेस बना बना के इस तरीके से रेडी कर लीजिए। A4 साइज़ के पेजेस आप बना सकते हो, और बिहाइंड प्रोफाइल पे जाके चेक भी कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली साइज़ रहने वाला है। तो अभी हम यही करेंगे, मैंने ये जो अलग अलग सोशल पोस्ट हो गया, ये सब जो कैटेगरी वाइज बनाई है, इसके अलावा मैं ब्रांडिंग डालने वाला हूँ। जैसे मैंने ये A1 साइकिल की ब्रांडिंग डाली थी, ये स्टार कॉस्मेटिक की ब्रांडिंग है, उनका जो भी मैंने काम किया। तो कुछ चीज़ें आपको कैटेगरी वाइज डालनी है, कुछ आपने क्लाइंट वाइज या ब्रांडिंग, जैसे क्लाइंट के आपने कुछ काम किया तो उसके हिसाब से डालना है। ये आप देख सकते हो PRX पोस्टर का काम है, तो क्लाइंट वाइज मैंने काम डाला हुआ है। आपको ऊपर से समझ में आ जाएगा कि किस क्लाइंट का काम है ये। अब हम डालेंगे इनवेदा का काम। तो करना क्या है, सबसे पहले बैनर बनाइए अपना, अच्छा सा प्रोफाइल रेडी कीजिए, अपने बारे में लिखिए सब कुछ, यहाँ पर जाइए और शेयर वर्क में यहाँ पे प्रोजेक्ट, पूरा केस स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्ड अ कंप्लीट केस स्टडी, पूरी केस स्टडी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, सिंपली एक आपके पास प्रोफाइल UI खुल जाता है, आपने बस बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इमेज के, टेक्स्ट के, वीडियोज़ के, जिस तरीके से आपने अपना वर्क इसमें डालना आप डाल सकते हो। आई प्रिफर कि इमेज ले करके आप सीधा डालो। मैंने यहाँ पे नाम दे रखे हैं इनवेदा 1A1AA2, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे किसके बाद क्या डालना है। तो सबसे पहले मैं ये इनवेदा का ड्रैगन ड्रॉप करके डाल देता हूँ। बहुत सिंपली ये अपलोड हो गया। दोबारा इमेज पे जाऊँगा मैं, यहाँ से दूसरी इमेज अपलोड करूँगा। बस ऐसे आपने कंटिन्यूसली इमेजेस को अपलोड करते रहना है।
ओवरऑल एक ब्रांड के लिए आपने क्या क्या ब्रांडिंग करी है, क्या आपने उसके लिए काम किया है, सारा आप एक क्लाइंट वाइज भी काम बना के डाल सकते हो। क्लाइंट के लिए या ब्रांड के लिए आपने क्या काम किया है, एक प्रोजेक्ट जैसा बना के दिखा सकते हो। तो अब जब कोई भी इस वाले प्रोफाइल को खोलेगा तो उसको स्टार्टिंग से पता चल जाएगा, थोड़ा कंटेंट मैंने लिखा है, इन्वेदा क्या है, इन्वेदा आयुर्वेदिक, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह जो शूट किया वो डाला, उसके बारे में लिखा, कलर्स वगैरह क्या रखे, फ़ोटोशूट डाला, मॉडल फ़ोटोशूट डाला मैंने इसमें, पैकेजिंग डाली। अच्छा, इसमें एक तरीका और भी आपके पास दे रखा है, अगर आप इस तरीके से कंटेंट नहीं लिखना चाहते, आप लगता अलग से कंटेंट लिखना है, तो आप नीचे भी यहाँ पे टेक्स्ट का क्लिक कीजिए, नीचे भी लिख सकते हैं ब्रांड के बारे में, क्या ब्रांड था, क्या काम आपने उसके लिए किया, आप सारा कुछ उसमें लिख सकते हो। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है, इधर की तरफ आता है, यहाँ पे आप जो इमेज आपने अपलोड करी उसके लिए अलग से आप टैग्स दे सकते हो कि क्या क्या आप कैसे इस इमेज को सर्च किया जाएगा आपकी इमेज को, तो पैकेजिंग लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख के इसमें डाल सकते हो, अलग से इसके बारे में लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ पैकेजिंग डिज़ाइन डिज़ाइन, जैसे भी आपको कोई सर्च करेगा आपके प्रोजेक्ट को तो इस तरीके से बहुत ईजीली आपका प्रोजेक्ट उसके सामने चला जाएगा। ओवरऑल मैंने सब अपलोड कर दिया है, अब क्या करना है, अब सिर्फ कंटिन्यू करना है। इसने अपने आप ही मेरा एक कवर इमेज ले लिया है, आप अपने आप अगर एक फिट ले लेता है कवर इमेज तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अलग से भी डिज़ाइन कर सकते हो एक थंबनेल, और मैं प्रेफर करूँगा कि अलग से डिज़ाइन करो। देखो मेरा थंबनेल इसने प्रॉपर ले लिया है तो मुझे भी अलग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट को एक टाइटल देते हैं, इन्वेदा ब्रांड का नाम, कुछ टैग्स लगाते हैं कि क्या क्या है ये, तो ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड था, मतलब है, लिख देता हूँ, कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो इस तरीके से इजीली, कॉस्मेटिक्स का भी काम है, ब्यूटी, जो भी सर्चेबल टैग्स हो सकते हैं आप उसको लगा दीजिए, फोटोशूट लगा दिए, अपने आप भी देखो सजेस्ट कर रही है, फोटोग्राफी, मॉडल्स। अब आप लिखना है कि टूल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने इसके लिए यूज़ किए हैं, तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप लिख देता हूँ, अपने आप आ जाएगा इसमें, फोटोशॉप आ गया, कोल्ड्रो लिख देते हैं, इस तरीके से जो जो सॉफ्टवेयर आपने इसमें यूज़ किए वो लगाने हैं। कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके प्रोजेक्ट को सर्च किया जाएगा तो कैटेगराइज के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोजेक्ट जो है दिखाई देगा। ग्राफिक डिज़ाइन मैं कर देता हूँ, फोटोग्राफी कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देता हूँ, विजिबिलिटी सबके लिए ऑन कर देते हैं, कुछ कॉपीराइट्स हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए उनको, देन पब्लिश। इसके बाद सीधा अगर आपने शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो, अभी फ़िलहाल इसको क्रॉस कर देते हैं, और कैसा दिख रहा है ये देखते हैं, प्रोफाइल पर जाते हैं, और सबसे आगे आपका प्रोफाइल आ गया है। तो अब अगर कोई मेरे प्रोफाइल पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि इन्वेदा का वर्क सारा यहाँ पे डाला हुआ है, एडवर्टाइजिंग वीडियोज़ यहाँ पे डाला हुआ है, इंस्टा रील वीडियो यहाँ डाला हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ काम आपको क्लाइंट वाइज या कैंपेन डिज़ाइन वाइज डालना है, कुछ काम आपको कैटेगरी वाइज डालना है, और आपको लगता है कि इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर करना है, तो वो नीचे कर दिया, ईजिली आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये वर्क करता है। प्रोफाइल बहुत फ्री है, इसमें कुछ नया भी नहीं करना, अभी इसके कुछ नए फीचर्स भी आए हैं, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस, 24 आवर्स के लिए आप अपना हाईलाइट्स बना सकते हो, क्या किस काम पे आप अभी कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो बिहार से ने काफ़ी कुछ आपके लिए कर दिया है, आपका काम है अपना काम डालना इसमें। और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या कमियां लगी, क्या अच्छा लगा। और अगर प्रोफाइल या पोर्टफोलियो क्रिएट करने में अभी भी कुछ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आप लगता है कि वीडियो कंप्लीट नहीं लगी, आपके काम अभी नहीं आया, समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे बताइए, एंड थैंक यू।